ये देखो, ये हमारी कंपनी का सबसे पहला ट्रक है भाई। जीरो तो 300 का सफर है, 300 का माइनस 50 तक भी नहीं जमूंगा, नहीं जमूंगा। कितने बंदे हम वहां पे रख सकते हैं सस्केचवन में? 50। सत श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। ये वाली गाड़ी जो है ना, ये मनदीप लेके आएगी, क्योंकि इसमें काके की सीट लगी हुई है और काके को लेके आएगी वहाँ पे। और हम जा रहे हैं हनी वाली मसड़ी लेके आज। फिर हनी ओए, तेरी मसड़ी बहुत काम आती है, लेकिन इसका एक ही पंगा है, इसमें रिमोट नहीं है। तो इसमें अभी थोड़ी ठंड लगवानी पड़ेगी, 10-15 मिनट वेट करनी पड़ेगी, फिर जाके ये गाड़ी गर्म होगी, फिर इसको लेके जा सकते हैं। ठंड है भाई अंदर, गाड़ी पूरी जमी हुई है एकदम से। गाड़ी कर दी हमने पार्क। सबसे पहले बता देता हूं कि आज प्रोग्राम क्या है। हमारी कंपनी ने आज से 14-15 साल पहले यहां पे कनाडा में आके अपनी ट्रांसपोर्ट खोली थी, हमारे ओनर्स जो हैं, और उन्होंने 10-15 साल वो वाले यार्ड में काम किया। यहाँ पे आप मेरे को रोज देखते हो, लेकिन अभी ऊपर वाले की कृपा से, ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये सारी बिल्डिंग जो है ऊपर वाले ने कृपा की है और बहुत बड़ी बिल्डिंग से निवाजा है। और हमारी कंपनी का जो सबसे पहला ट्रक था वो ये खड़ा है मेरे सामने, फर्स्ट ट्रक ऑफ 4 ट्रक्स लिमिटेड नंबर 9। तो इसके देखो, उन्होंने ना रिम वगैरह डाल के अभी नए रिम डाले हुए हैं, पीछे वाले टायर भी देखो कैसे लिशके मार रहे हैं। आओ जी आओ महाराज, कैसे हो? ये देखो, ये हमारी कंपनी का सबसे पहला ट्रक है भाई, और लिखा हुआ कि आउट ऑफ सर्विस, कि ऐसे कोई बंदा आके पकड़ के गेयर मार के ले ही ना जाए। ईटन के गेयर होते हैं और ऐसा दिखता था पहले, ये अंदर से पूरा साफ सुथरा है, रेडी किया हुआ है। देखो कंपनी ने, हमारे ओनर्स ने देखो ये वाला ट्रक जो है पूरा रेडी करके रखा हुआ है। इस पर अभी थोड़े पैसे लगाए, अभी बोलते हैं कि आगे इसके ऊपर और भी पैसे लगाएंगे और इसको बिल्कुल रेडी कर देंगे। बोलते हैं कि चलाएंगे नहीं, बस इसको ऐसे शो केस में रखेंगे, क्योंकि अभी हमारी कंपनी के पास में तकरीबन मेरे ख्याल में 300 ट्रक होगा। 2 दिन पहले यहाँ पे श्री अखंडपट साहब आरंभ किए गए थे और आज श्री अखंडपट साहब की समाप्ति होगी, और यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं। 2-4 दिनों के बाद में आपको ट्रक भी दिखाई देंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई हुई हैं खाने के लिए, बैठने के लिए। सारे बंदे सोए हुए, मैं बहुत अर्ली आ गया भाई। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰਮ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਭੋਖਣ ਪ੍ਰਣੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਕ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗਾਣ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਦਾ। ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੇ ਦੇਖੋ। मेरे को खुद मालूम नहीं कि इतने सारे ऑफिस या इतने सारे रूम किसके लिए हैं, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि मेरे को उतनी गिनती नहीं आती जितने इसके ऊपर पैसे लग गए हैं। यहाँ से आए हम ऊपर से, और ये नीचे का हर तरफ ऑफिस ही ऑफिस हैं। जितनी मेरी नॉलेज है, पूरे मैनिटोबा सस्केचवन में इतना बड़ा ऑफिस किसी भी अपने पंजाबी कम्युनिटी के ऑनर्स का या ट्रांसपोर्ट का नहीं होगा जितना अभी फोर्ट्रेस का ऑफिस बन चुका है। डिस्पैच का ऑफिस मेरे को मालूम है, ये सारा डिस्पैच का ऑफिस है। मेरे को खुद मालूम नहीं भाई कौन से बे में कौन सा काम होगा, वो तो ऑफिस हो गया। ये वाला सारा अभी जो काम है ना, ये पाजी बताएंगे आगे। मैं आपको मिलाता हूँ एक पाजी से। पाजी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, बताइए। थैंक यू जी। पहचानो कौन है? कभी आए नहीं कैमरे के सामने, ऑनर है हमारे। ये जो सारा तामझाम है ना, ऊपर वाले ने इनके थ्रू बनवाया। नहीं, सब काम तो बड़ा वधिया वाला जी, उन्होंने तो ऊपर वाला ते वी टीम, असली टीम आ, टीम आ, और बड़े बंदे काम कर दिया। ये ऑनर है नहीं, अगेन बहुत वधिया गया, सारा बहुत वधिया बन गया ना। बस एक ही क्वेश्चन है, किस साल से स्टार्ट किया था ये अपन? 2007 च। 7 च हां जी।
ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 23 ਅੱਜ 23 ਹਾਂਜੀ 0 ਤੋਂ 300 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ 300 ਦਾ 300 0 ਤੋਂ 300 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਬਾਕੀ ਟਰਾਲੇ 300 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਨਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਆਗੇ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਆਗੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਇਸਕੀ ਤੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਬਣਵਾਏਂਗੇ ਬਣਾਏਂਗੇ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਬਾਤੇਂ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣੇਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਹਮਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਬਨੇ ਰਹੀਏ ਆਪਕੇ ਬਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇ ਚੈਨਲ ਕਰਨ ਚੁਗਾਵਾਂ ਕੇ ਉਪਰ ਹਾਂ। उस दिन की जो वीडियो बाकी रह गई थी ना भाई फिर से फोर्ट्रेस के गेट में खड़े पाजी रेडी खड़े की हाल चाल बस गिफ्ट आता डेली ये माइक तक लाना पैना तुहाड़ी कीमती आवाज दे विच रिकॉर्ड करांगे दिखा दो माड़ा दिखा देने बंदे बह गए है ना सारे वाओ जल्दी जल्दी ट्रिप बांट दो भाई ट्रक खड़े हैं हमारे शॉप दिखा दो हमको कहाँ पे हमारे ट्रक लगेंगे कितने बे कितने सर्विस स्टेशन बना दिए हमने काफी आधुनिक तकनीक भाई पैसा बहुत लगा दिया ना वैसे आइडिया दो कितना का पैसा लग गया होगा बिल्डिंग में पूरा ओवर 12 मिलियन 12 मिलियन 12 मिलियन कितने होते हैं 120 लाख हो गए तो अगर पैसे इतने इंडिया में कैश रखे हो फिर तो एक और रूम बनाना पड़ेगा उसके लिए भी बैंक वालों को बुलाना पड़ेगा भाई आओ दो तीन दिन लगाओ गिनती करो फिर बाद में अगर कोई बंदा बोले भाई एक 500 का मैं दे चपेड़े चला जी यार्ड हमने बहुत देखे हैं लेकिन मैनिटोबा सस्केचवान अल्बर्टा में मेरे ख्याल में किसी पंजाबी का तो खास करके लगाओ बाकी कंपनी कुछ बोल नहीं सकते कोई कंपनी होगी मेरे ख्याल में नाले हले 50% यार्ड आप यूज भी नहीं किया या वो वहां से जहां से कंटेनर लगे हुए ना आपने देखा है बाउंड्री बनी हुई है बाउंड्री की उस तरफ सारी जो जगह है वो फूड ट्रैक्स की है तो जब भी दिल करेगा बढ़ा लेंगे इसको उस तरफ में तो ये भी लॉक होता है भाजी डे टाइम नहीं शाम तक सो ये पार्ट्स एरिया सारा इतने पार्ट्स आ गए अच्छा वो यहाँ पे भाई हमारा शॉप का एडजस्टमेंट चल रहा है देखो अभी शॉप का सेटअप नहीं हुआ यार शॉप का सेटअप करने के लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए होगा ना सारा सामान इधर से इधर शिफ्ट करना क्योंकि उधर हमारी 3 बेस थी लेकिन यहाँ पे भी हमारी टोटल हो गई 4 बे हैं अभी ट्रक और ट्रेलर सीधा आएगा अंदर सीधा हाँ सब लोग बोलते हैं कि 9 नंबर पहला ट्रक है मेरे ख्याल में ये नया पहला ट्रक होगा अपना 9 नंबर वाज एक्चुअली नॉर्मल ट्रक इस से पहला 8 ट्रक थे सारे डे कैब थे सिटी ट्रक से ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਥਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪੱਖੇ ਲਗਾਏ ਹੋਤੇ ਯਹਾਂ ਕਾ ਕਿਆ ਫੰਡਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਠੰਡ ਤੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ 에ਅਰ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਕੀ ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੋਂ ਕੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਲਗਾ ਵਾਸ਼ ਬੇ ਹੈ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋ ठंड होती थी तो अंदर जाने का दिल नहीं करता ट्रेलर के अंदर वॉश करते थे जब हम अभी थोड़ा प्रोजेक्ट भाई हीटेड है एंड डबल साइडेड दोनों साइड तो वॉश कर सकते हैं अच्छा वो दो लगे हुए हैं क्रॉस डॉक भी अभी हमने किया करना बाहर का भी या अपना अपना ही बस स्टार्टिंग में अपना करेंगे देन उसके बाद बाहर का भी करेंगे फिर क्रॉस डॉक कब करना पड़ता है भाई जब हमारे ट्रेलरों का वेट ओवर हो जाता है ना तो हमको ट्रेलर वापस भेजना पड़ता है लोहबला में अभी जब जरूरत पड़ेगी तो ड्राइवर का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे ही लगाएंगे एडजस्टमेंट करके वो तो नहीं करना पड़ेगा ना नहीं बंदा रखेंगे जो भी बंदा कोई खराबी कर रहा है भाई ऊपर से लगा रखा है भाई सबके ऊपर 12 मिलियन जो होता है ना भाई इसी जगह पर एडजस्ट नहीं हो जाता बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं बट एक सर्टिफिकेशन होती है सीटी पैड होने की ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਲੋਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰਡ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਂਸਡ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਭਾਈ ਪੰਪ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸੇ ਬਾਹਰ ਹਮ ਕਾਰਡੋਂ ਸੇ ਵਰਤੇ ਵੈਸਾ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ
कार्ड वाला सिस्टम लगा दिया भाई पाजी ने अभी, यहाँ से कोड लगाओ डीजे लाता है। मेरा कार्ड कब बनाओगे भाजी? मेरा भी कार्ड बनाओ, मैं भी कंपनी का नुमाइंदा हूँ। डीजल भी इतना आता है, डेफ भी इतनी होगी। अच्छा डेफ भी यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दोनों एक साथ में चलेंगे या अलग अलग? ये नया लगा दिया ना, डेफ टैंक नंबर। वाह। अच्छा अभी हीट रहेगा, जमेगा नहीं इसलिए लगाया। अंदर इंसुलेटेड है पूरा, -50 तक भी नहीं जमूगा। नहीं जमूगा। अजी वो रूम कहाँ पे रखा हुआ है जो जिसको तय करना बोल रहा? अगर कोई बंदा तंग करे तो वो रखा होता ना एक रूम जो कंपनी में गुप्त होता है, किसी को मालूम नहीं होता, हो उसका कोड एक दो बंदों के पास में ही होता है भाई। कितना है? 2500। अभी इसके फ्रंट एक्सल ऊपर आए ना सिटी वाले ड्राइवर के, तो ये इसका 4750 है। लेकिन अगर इसमें हाईवे वाला होगा तो पाजी वो आएगा 53-54 के पास में, 11,400, 200, 300। इसमें फिर बंदे का वेट निकालना पड़ता है पाजी की, चल जाता है बीच में। क्या कर रहे हैं यार, ड्राइवर का इंक्लूड ही होता है इसमें। ये वाला ट्रेलर जो है ना, अगर ये हाईवे की हाईवे वाला ट्रक के आगे लगाएंगे तो इसमें 1000 किलो हम बढ़ा लेते हैं अपने माइंड में, तो इसका इतना बढ़ जाता है। मेरी तो ऐसे कसम से जाती है भाई, स्केल होती है, कुछ कराना पड़ता है ना हर साल। तनु कैलिब्रेट करवानी पड़ती है कि वेट जेड़े वो प्रॉपर दसे ता ओदा सर्टिफिकेट तनु मिल जाए। सर्टिफिकेट होता है ना, ये बार कैड की स्केल होती है, उसके ऊपर अगर हम वेट करवा के निकले पर्ची होती है, तो अगर उसके ऊपर हमको पुलिस वाला टिकट देता है कि आपका ओवर वेट है लेकिन पर्ची के ऊपर सही है, तो वो डिफेंड करते हैं अपने आप। बिल्कुल ड्राइवर को जेडी कैट स्केल्स है, उतना बड़ा किसी का सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है। हां अभी ट्रक कितने हो गए भाई? ये ट्रकों वाली बात ही भूल गए। ट्रक्स भाई 300 हो गए। 300 हो गए, थोड़े ऊपर हो गए। 300 ट्रक हो गए सिटी वाला मिला के और हाईवे वाले मिला के। हां जी। टोटल ऑनर ऑपरेटर भी साथ में? ऑनर ऑपरेटर साथ। ऑनर ऑपरेटर हायर करते हैं हम लोग अभी? बिल्कुल कर रहे हैं। सिटी कनाडा वाइड, कनाडा यूएस क्रॉस बॉर्डर, हर जगह ली ऑप्शन। मसला एक ही है यार, किसी को एक घंटा भी काम करना है तो भी हम रख लेते हैं, किसी को 10 दिन काम करना है रख लेते हैं। सारी ऑप्शन ऊपर वाले की कृपा, सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास में। कितने बंदे हम वहां पे रख सकते हैं सस्केचवन में? 50। वो यहां से या ओवरसीज? मोस्टली फ्रॉम कनाडा। फ्रॉम कनाडा पोर्ट रेस को कनेक्ट कर सकते हो। बाकी वो पूरे ऑल ओवर कनाडा में किसी की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे उनको परमिट चाहिए या उनको पीएनपी में हेल्प चाहिए, हम कर देते ना 100%। कितने यूएस को कितने हो गए अपने बंदे अभी? US अपने इस टाइम 45 ट्रक्स जा रहे हैं, so 90+। एक साल पहले शुरू किया था हमने, डेढ़ साल पहले शुरू किया था। 45 ट्रक हमारी कंपनी के सिर्फ यूएसए में ही जा रहे हैं। 480 something और मेरी है यार 1100। अभी कितनी होगी? 2200 something होगी। इतने बंदे आए गए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। 300 ट्रक चलाने के लिए बंदे चाहिए ना, बंदे हैं हमारे पास, काम कर रहे हैं। फिर भी क्या होता है कि कंपनी का काम बढ़ रहा है, बंदे चाहिए, बंदे आएंगे, काम और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। ट्रकों की प्रॉब्लम चल रही है ना, ट्रक नहीं आ रहे पीछे से। ट्रक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जानी है। इस साल तो प्रोडक्शन थोड़ी ठीक हो गई है। बड़ी मुश्किल से इनका टाइम लिया है आधे घंटे का, और मालूम नहीं अभी कितने पैसे चार्ज करेंगे इसके बाद में वीडियो के बाद। मजाक कर रहे हैं यार। ये मिट्टी वाला ट्रक है भाई, पहली बार देख रहा हूँ मिट्टी वाला ट्रक भी यहाँ पे चलता है। मैं तो सोचता हूँ अकेले स्नो वाले ट्रक ही चलते हैं हमारे कनाडा में। आज मिट्टी लेके जा रहा है भाई अपना। लेकिन हाँ कंपनी बड़ी है, अगर जीरो से अगर 300 ट्रक हो गया तो मैंने अभी पाजी से पूछा, अकेले डिस्पैच में, अकेले मतलब कि ऑफिस में 40 से 45 एम्प्लॉई काम करते हैं भाई, तो ड्राइवर कितना होगा आप हिसाब लगाओ। बड़ी ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, वो ऐसे चलती हैं भाई। When I know, I'll know.